अब दूसरा लेन कल से शुरुआत होगा इसी मंच से यहाँ पर ही। हम लोग पहले फीता काटकर और नारियल के साथ उनका शुरुआत उद्घाटन करेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। एसएसआई ट्यूब में एक बार फिर स्वागत करते हैं। मैं जमेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं पटना नहीं बल्कि हाजीपुर है। इसी मंच से पूरे बिहार को एक सौगात मिलने वाली है, वो भी कल। कल एक महत्वपूर्ण दिन होगा तमाम बिहार वासियों के लिए। चेहरे पर मुस्कान होने वाली था। महात्मा गांधी सेतु पुल का जो पहला लेन चालू था, लेकिन अब दूसरा लेन कल से शुरुआत होगा इसी मंच से। यहाँ पर तमाम केंद्रीय मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का यहाँ पर आगमन होगा। यहाँ से ही घोषणा होगा। तमाम जितना जो दर्शक दीर्घा जो देख रहे हैं अभी यहाँ पर खाली है, क्योंकि यहाँ पर तैयारियाँ चल रही है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो तमाम प्रशासनिक अधिकारी पूरे चाक चौबंद हैं। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री सड़क के बहुत बड़े मंत्री नितिन गडकरी का भी यहाँ पर आगमन होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, शहनवाज हुसैन और बिहार के दो दो उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, फिर रेणु देवी का आगमन होगा। तमाम सांसद, विधायक और जितने भी गणमान्य व्यक्ति लोग रहेंगे, प्रशासनिक अधिकारी लोग रहेंगे, इसी स्थान पर रहेंगे। और बिहार का यहाँ से एक नई सौगात मिलने वाली है। तैयारियाँ का सिलसिला का जायजा लगातार 24 घंटा यहाँ पर कार्यस्थल पर मौजूद है तमाम लोग। सर, कैसी तैयारियाँ हैं? सभी तैयारियाँ लगभग पूर्ण है और शाम तक और जितनी भी बची हुई तैयारियाँ हैं सब पूर्ण हो जाएगी। और जो पुल का उद्घाटन होने जा रहा है तो उसी क्रम में हम लोग विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से काफ़ी सारे माननीय लोग यहाँ आएंगे। उस दृष्टिकोण से सभी जगह हम लोग देख रहे हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो, फंक्शन स्मूथली निकल जाए। पार्किंग वगैरह का भी काफ़ी स्पेस है, उसको हम लोग पूरा डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं, कहाँ पर क्या होगा नहीं होगा। और यही फंक्शन है बिहार के लिए, तो एक सौगात है, बहुत बड़ी सौगात है। और हमारे विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी जो कभी कभी समस्याएं आती है जाम वाम की, उससे काफ़ी निजात मिलेगा लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। ये थे हाजीपुर के SDM और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तमाम तरह के यहाँ पर तैयारियाँ हो चुकी है। बड़े बड़े यहाँ पर अधिकारी, चाहे वो नितिन गडकरी हो या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद हो, शहनवाज हुसैन, तमाम अधिकारी एक साथ इसी मंच पर कल शोभा बढ़ेगी। क्योंकि बिहार के तमाम लोगों का बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर ये कब घड़ी आएगा। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई है और अब से बस ठीक 24 घंटा बाद इसी मंच से घोषणा होगी। और इस मंच पे जितने भी आप जो सोफा, जो कुर्सियां लगी हुई है, पीछे प्रोजेक्टर लगी हुई है, उससे तमाम तरह का यहां पर अवगत करवाया जाएगा। और एक नई सौगात, कल का दिन बिल्कुल एक यादगार बनने वाला है। आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे विदा लेते एक नए अंदाज, नए उत्साह के साथ में। जय हिंद।